गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे। हम आपको आज सर्वनाम करवाएंगे। क्या है सर्वनाम? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। देखिए सभी बच्चे ध्यान से। सर्वनाम, पिता ने कहा लक्ष्य क्या? लक्ष्य दिल्ली हाट जाओगे। यस बोला भव्य, क्या आप भव्य खेलने जाएगा? पिता ने कहा लक्ष्य क्या तुम दिल्ली हाट जाओगे, दिल्ली बाजार जाओगे? यस बोला भव्य, क्या आप यह खेल खेलने जाएगा, क्या आप वह खेलने जाएगा? ठीक है। वर्षा ने कहा, वर्षा पढ़ रही है, वर्षा ने कहा मैं पढ़ रही हूँ। सर्वनाम बताने हैं कि किस प्रकार से। देखिए बच्चों, उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहले चित्र वाले वाक्य में लक्ष्य संज्ञा के स्थान पर तुम, दूसरे चित्र वाले वाक्य में भव्य के स्थान पर वह, और तीसरे चित्र वाले वाक्य में वर्षा के स्थान पर मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम है। क्या है? तुम, वह, मैं। ठीक है, क्या है? ये सर्वनाम है। पहले चित्र में दिया गया है लक्ष्य। पिता ने कहा लक्ष्य क्या तुम दिल्ली हाट जाओगे, पिता ने कहा लक्ष्य क्या तुम, क्या दिल्ली, क्या लक्ष्य दिल्ली हाट जाएगा, तो उसमें क्या है? तुम। ठीक है, क्या है? तुम, सर्वनाम है। दूसरे चित्र में देखिए, यश बोला भव्य, क्या आप भव्य खेलने जाएगा, अब भव्य खेलने जाएगा, तो क्या है? यश बोला भव्य, क्या, क्या है, क्या अब वह खेलने, भव्य अब, इस भव्य की जगह क्या हुआ? वह खेलने जाएगा। फिर देखिए वर्षा ने कहा, वर्षा पढ़ रही है, वर्षा ने कहा मैं पढ़ रही हूँ। क्या है? मैं, सर्वनाम है। ठीक है, सभी देखिए कि चित्रों में पहले चित्र वाले वाक्य में लक्ष्य संज्ञा है, उसके स्थान पर क्या हो गया? सर्वनाम लगा के क्या लगाया? तुम। दूसरे वाक्य में भव्य के स्थान पर वह, तीसरे वाक्य में वर्षा के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। याद रखें बच्चों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने से वाक्य सुंदर एवं छोटे बन जाते हैं। ठीक है, जैसे राम दिल्ली जाता है तो हम कहेंगे वह दिल्ली जाता है या मैं दिल्ली जाता हूँ। ठीक है, तो क्या है? सर्वनाम। अगर उसको हम संज्ञा को हटाकर उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? वह वाक्य भी छोटा और सुंदर हो जाता है। देखिए जैसे हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनके स्थान पर हम सर्वनाम, जो सर्वनाम के शब्द लेकर आते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हमारी भाषा हिंदी में सर्वनाम 12 होते हैं। मैं, कौन कौन से? देखिए मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, जैसे हम आपसे लिखवाएंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? लिखे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, जैसे मैं, वह,
आदि। ठीक है, जैसे हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी भाषा हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। प्रश्न है हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने होते हैं। नाम बताओ, नाम तो आप क्या लिखोगे, हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने होते हैं, 12। क्या लिखोगे, 12। हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम 12 होते हैं। कौन कौन से, मैं, हम, तू, तुम, ऐसे लिख सकते हैं, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कौन, क्या, सभी लिखेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम आदि। हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम कितने होते हैं तो लिखेंगे, नाम बताने हैं, हमारी हिंदी भाषा में सर्वनाम 12 होते हैं। कौन कौन से, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन। ठीक है, सभी लिखें। सभी लिखे इनको। उसके बाद देखिए, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सभी देखिए,
सभी लिखे, सभी ने लिखा। उसके बाद देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न देंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए, तो आप लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न है हमारा सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, लिखे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, सभी लिखेंगे। यहाँ तक सभी की समझ में आया थर्ड क्लास? सभी बच्चे इसको लिखेंगे अपने कॉपी में, जिसने नहीं लिखा है। आगे देखिए, आगे है सर्वनाम का रूप परिवर्तन। ठीक है, जैसे हमने आपको उसके भेद लिखवाए थे 12, उनका क्या है, रूप परिवर्तन भी होता है। लिखेंगे
सर्वनाम का रूप परिवर्तन कैसे? देखिए, जैसे मैं का क्या होगा? मेरा, मुझे, मेरा, मुझे, आगे है तू, तू, तेरा, तुझे, आगे है तुम। लिखेंगे तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। उसके आगे लिखेंगे वह, वह का क्या है? उसे, उसको। उसके बाद लिखेंगे जो, जिसे, जिसको, कौन, किस, किसको, आगे है हम, हमें, हमारा, वे, उन्हें, उनको, जो, जिन्हें, जिनको, कोई, किसी, किन्हीं। सभी लिखेंगे सर्वनाम का रूप परिवर्तन। जैसे में क्या होता है? मेरा भी होगा, मुझे, ठीक है। तू, तू में भी परिवर्तन होगा, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उसे, उसको, जो, जिसे, जिसको, कौन, किस, किसको, हम, हमें, हमारा, वे, उन्हें, उनको, जो, जिन्हें, जिनको, कोई, किसी, किन्हीं। इस प्रकार से इनके रूप परिवर्तन होंगे। तो सभी लिखेंगे सर्वनाम का रूप परिवर्तन। जैसे मैं एक वर्ण है सर्वनाम, तो उसमें क्या होता है? उसका रूप अलग तरीके से भी हो सकता है, मेरा, मुझे, ठीक है। आप सभी लिखेंगे इनको सर्वनाम के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? देखिए, बात कहने के लिए मैं, मुझे, हमें, हमारा, ठीक है। तीन रूप होते हैं सर्वनाम के। बात कहने के लिए एक है मैं, मुझे, तुझे, मैं, मुझे, हमें, हमारा, ठीक है क्लास। आगे देखिए दूसरी बात क्या है, जिसे बात की जाती है, ठीक है, जिसे हम बात करते हैं सामने वाले से, तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, ठीक है, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। ध्यान दें, तीसरा वर्ड है जिसके विषय में बात कही जाती है। एक बंदा होता है मैं,
मैं बात कहने के लिए, ठीक है, बात कहने के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे कुछ बात कह रही हूँ, मैं बात कह रही हूँ, मैं, मुझे, हमें, हमारा, ठीक है, मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ। मेरे सामने जैसे आप बच्चे हो, कोई बच्चा खड़ा होकर पूछता है तो वो क्या हुआ है, जिसे बात की जाती है सामने वाले से, तो क्या होगा, तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, आप, ठीक है क्लास, जिसके विषय में बात कही जाती है। तीसरा कोई बंदा होता है, उसके विषय में बात कही जाती है तो क्या होगा, वह, वे, यह, ये, उस, इस, इन्हें, उन्हें, ठीक है क्लास, सभी लिखेंगे इनको। सभी की समझ में आया चैप्टर सर्वनाम, ठीक है, सभी इसको लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है थर्ड क्लास। ओके थर्ड क्लास, थैंक यू।